अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स स्कूल स्टूडेंट। टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मुतलिक बात करेंगे। इन प्रीवियस लेक्चर हम लोग बात कर चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से मुतलिक। आज के इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारा प्रीवियस लेक्चर जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप से मुतलिक है उसको एक बार ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को लार्ज करके देख सकते हैं, और ये एक कन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल होता है विच कंसिस्ट ओनली वन कन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट, जब कभी हमें स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को वेरी लार्ज करके देखना होगा, या फिर आप यूँ कह सकते हैं जब कभी हमें सिंपल माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, उस वक्त हम लोग इस्तेमाल करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। यस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ अ मच मोर मैग्नीफिकेशन देन दैट ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को सिंपल माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ज़्यादा लार्ज करके दिखाएगा। इसको हम लोग नाम देंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट टू कन्वेक्स लेंसेज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो कन्वेक्स लेंसेज पर मुश्तमिल होती है, जिसमें से एक को हम लोग नाम देते हैं ऑब्जेक्ट पीस का और सेकेंड को हम लोग नाम देते हैं आई पीस का। आइए अब हम लोग विद दी हेल्प ऑफ रे डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो कि दो डबल कन्वेक्स लेंसेज पर मुश्तमिल है। ये हमारे पास एक शॉर्टर फोकल लेंथ का डबल कन्वेक्स लेंस है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव पीस का नाम देंगे। ये हमारे पास एक लॉन्गर फोकल लेंथ का डबल कन्वेक्स लेंस है, इसको हम लोग आई पीस का नाम देते हैं। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस की ऑप्टिकल सेंटर की बात करें तो उसको हम लोगों ने ओ से रिप्रेजेंट किया है। आप लोग जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इस कन्वेक्स लेंस के फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस तक का ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग इसकी फोकल लेंथ का नाम देंगे। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पीस है तो इसकी फोकल लेंथ को हम लोग एफ ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली हमारे पास आई पीस का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको हम लोग ओ डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके इस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इसके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस तक का ये जो डिस्टेंस बन रहा है स्टूडेंट, इसको हम लोग फोकल लेंथ ऑफ आई पीस का नाम देंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे एफ ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट एच है। इसको हम लोगों ने एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वी एन जस्ट बिहाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस प्लेस किया है। रिपीट कर देता हूँ, ये ए बी ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट एच है, इसको हम लोगों ने इस ऑब्जेक्टिव पीस की फोकल लेंथ के बिहाइंड प्लेस किया है। तो ये ऑब्जेक्टिव पीस इस ऑब्जेक्ट की विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एक रियल इन्वर्टेड इन लार्ज इमेज बनाएगा, जिसको हम लोग ए वन बी वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसकी हाइट को हम लोग एच वन का नाम दे रहे हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट एच है, इसको इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ के बिहाइंड प्लेस किया है। तो इस ऑब्जेक्टिव पीस ने ए बी ऑब्जेक्ट की विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ए वन बी वन इमेज बनाई है, जो इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और साइज में ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। तो मीन ये इस इमेज को हम लोग इनलार्ज इन्वर्टेड और रियल इमेज का नाम देंगे, जो कि कहाँ बन रही है, विद इन दी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ये इमेज बन रही है। ए वन बी वन इमेज है ऑब्जेक्टिव पीस के हिसाब से, ए वन बी वन जिसका हाइट एच वन है ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगा फॉर दी आई पीस। अब ये ए वन बी वन ऑब्जेक्ट है आई पीस के हिसाब से, इमेज है ऑब्जेक्टिव पीस के हिसाब से, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ए वन बी वन ये विद इन द फोकल लेंथ ऑफ दिस आई पीस मौजूद है। आप लोग जानते हैं जब ऑब्जेक्ट को डबल कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के इनसाइड प्लेस करें तो वो डबल कन्वेक्स लेंस उस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इन लार्ज इमेज बनाता है। तो यही वजह है ये जो ऑब्जेक्ट पीस ने ए वन बी वन इमेज बनाया था विद इन द फोकल लेंथ ऑफ दिस आई पीस, ये इमेज ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेगा फॉर द आई पीस, और ये आई पीस इस ऑब्जेक्ट ए वन बी वन का एक वर्चुअल इन लार्ज इमेज बना देगा, जिसको हम लोग
ए टू बी टू से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी हाइट को हम लोग एच टू का नाम देंगे। और ये इमेज हमें यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे ह्यूमन आई से तो हमें यहाँ पे ये लार्ज इमेज नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे दो कन्वेक्स लेंसेज की मदद से ये ए बी स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने ए टू बी टू एक लार्ज साइज इमेज में कन्वर्ट कर दिया है, या आप यूँ कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम इस स्मॉल साइज ए बी ऑब्जेक्ट की एक इन लार्ज ए टू बी टू इमेज बनाएंगे जिसकी हाइट एच टू होगी। और इस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए हम स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट की इन लार्ज वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज हासिल करेंगे। ये इमेजेस कैसे बनी हैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ए बी ऑब्जेक्ट को बिहाइंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस प्लेस किया, ऑब्जेक्टिव पीस ने ए बी ऑब्जेक्ट की विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एक रियल इन्वर्टेड इन लार्ज ए वन बी वन इमेज बनाई। ए वन बी वन इमेज चूँकि विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस था, ये आई पीस के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा था, चूँकि ये विद इन द फोकल लेंथ था तो आई पीस ने ए वन बी वन का एक वर्चुअल इन लार्ज इमेज बनाया है। उस इमेज को हम लोग ए टू बी टू का नाम देंगे। स्टूडेंट जब हम लोग यहाँ से देखेंगे हमें ये वाला ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा बल्कि इसका ये इन लार्ज इमेज नज़र आएगा, और ये वाला ए वन बी वन भी इमेज हमें नज़र नहीं आएगा, हमें ये लार्ज इमेज नज़र आएगा। देखिए स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट है, इन लार्ज इमेज बन रही है, ये हमने किसकी मदद से बनाई है? यस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से एक स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को लार्ज साइज इमेज में स्प्लिट कर देंगे। ये वर्किंग है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। और एक मज़े की बात देखें, हमने बोला था कि जो ऑब्जेक्ट है ए बी ऑब्जेक्ट एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन फ्रॉम द ह्यूमन आई प्लेस हुआ हुआ है, तो देखें इमेज भी तकरीबन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये जो फाइनल इमेज बनेगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में वो भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन के ऊपर ही बनेगी। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, हमने इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, तो उस मैग्नीफिकेशन के एक्सप्रेशन को भी हम लोग इसी रे डायग्राम की मदद से ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। एंगुलर मैग्नीफिकेशन आप लोग जानते हैं, हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एंगुलर मैग्नीफिकेशन का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एम, एम इज इक्वल टू थीटा ई डिवाइडिंग बाय थीटा। आप लोग जानते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन स्टूडेंट हमारे पास होती है द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये जो फाइनल इमेज बन रही है ए टू बी टू, ये ह्यूमन आई पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ह्यूमन आई पे ये जो एंगल सबटेंड कर रही है इसको मैं थीटा ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो इमेज है ए टू बी टू, ये ह्यूमन आई पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, आई पीस पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया थीटा ई से। अब नेक्स्ट मैंने ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ऑब्जेक्टिव पीस पे, उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ ये वाला एंगल है, और ये हमारे पास थीटा एंगल होगा। आप लोग जानते हैं द रेशो बिटवीन एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, थीटा इमेज का एंगल है थीटा ऑब्जेक्ट का एंगल है, इसमें जो रेशो होगी वो एंगुलर मैग्नीफिकेशन के इक्वल होती है। तो हम बारी बारी थीटा ई और थीटा की वैल्यूज को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए टू बी टू इमेज का जो एंगल सबटेंडेड है थीटा ई, उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। जरा गौर से देखें, ये ट्राइंगल सी बन रही है स्टूडेंट, बी टू ओ डैश ए टू, ए टू ओ डैश बी टू, ये इस तरह से ये इसका बेस बन रहा है ट्राइंगल का, ये हाइपोटेनस बन रहा है और ये इसका परपेंडिकुलर बन रहा है। तो मैंने डिटरमाइन क्या करना है, थीटा ई डिटरमाइन करना है। मैंने आपको पहले बता दिया जो इमेज है कौन से डिस्टेंस पे बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन पे बन रहा है, मीन ये वाला जो इसका लेंथ है ये किसकी इक्वल होगा, स्मॉल डी के इक्वल होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इस ए टू बी टू इमेज का हाइट गिवन है वो हमारे पास एच टू है, तो हम लोग टेन थीटा का रेशियो यूज करेंगे, टेन थीटा ई, थीटा ई इज द एंगल सेपरेटेड बाय द इमेज, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे है हाइट ऑफ इमेज और बेस यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ह्यूमन आई जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन के इक्वल है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर दिया है, स्मॉल डी पुट कर दिया है। ये हमारे पास टेन थीटा ई का वैल्यू हो गया। आप लोग जानते हैं जब एंगल स्मॉल हो, थीटा की वैल्यू स्मॉल हो, ये एंगल कोई लार्ज एंगल नहीं है, वेरी स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल के लिए आप लोग टेन थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं थीटा से, और यू कैन से दैट थीटा
इज अप्रोक्स tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ई, तो tan थीटा ई की जगह पे हम लोग इन शॉर्ट थीटा ई लिखेंगे। तो इसमें ये चेंजेस इसमें पुट करें इस इक्वेशन में तो हमारे पास हो जाएगा थीटा ई इज इक्वल टू एच टू डिवाइडिंग बाय डी। इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन टू का, और मैग्निफिकेशन वाली इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन वन का। नेक्स्ट हम लोग सिमिलरली एंगल सब्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, जो कि ये एंगल है थीटा। देखिए जरा गौर से, ये भी एक शॉर्ट ट्राइंगल बन रही है बी ओ ए या ए ओ बी। ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब हमने डिटरमाइन करना है थीटा, तो हम लोग रेशियो यूज़ करते हैं टेन थीटा वाली। देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, और इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना गिवन है ऐसे, यस वो स्मॉल डी है वो भी गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। तो हम लोग टेन थीटा का रेशियो यूज़ करते हैं यहाँ पे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और बेस यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन के इक्वल है। याद रखें जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन पे प्लेस किया हुआ है। जो फाइनल इमेज है इन केस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट, वो भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन के ऊपर बनेगा। ये देखें तकरीबन ऑब्जेक्ट जहाँ पे था ह्यूमन आई से, तो इमेज भी तकरीबन उसके नियर अबाउट ही बन रहा है। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल हो जाएगा एच डिवाइडिंग बाय डी। फॉर सेम केस अगर एंगल स्मॉल हो तो tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो ये चेंजेस इसमें पुट करें थीटा इज इक्वल टू एच ओवर डी। इस इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं हमारे पास थ्री का। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन टू एंड थ्री को पुट कर दें इक्वेशन वन के अंदर, तो m इक्वल हो जाएगा h2 डिवाइडिंग बाय d एंड डिवीजन h डिवाइडिंग बाय d। यहाँ पे डी डी से स्टूडेंट कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा m एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू h2 डिवाइडिंग बाय h। m इज इक्वल टू h2 डिवाइडिंग बाय h। ये हमारे पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसको हम लोग थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं इसी इक्वेशन की, मतलब इसी इक्वेशन को हम लोग h1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, h1 से डिवाइड भी कर देते हैं। h2 डिवाइडिंग बाय h को हम लोगों ने h1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, h1 से डिवाइड भी कर लिया, तो मैथमेटिकली इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। अब हम लोग इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। देखिए जरा आप ज़रा यहाँ पे ये h1 है, इसके नीचे ये h लिख देते हैं h1 डिवाइडिंग बाय h। इसी को हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं इस फार्मूले को, h1 डिवाइडिंग बाय h, ये h1 के नीचे ये h इधर चला गया और h2 के नीचे ये h1 आ गया, तो h1 डिवाइडिंग बाय h इंटू h2 डिवाइडिंग बाय h1, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। देखिए जरा गौर से, h1 डिवाइडिंग बाय h, h1 क्या है, h1 इज अ साइज ऑफ इमेज a1 b1 व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव पीस। ऑब्जेक्टिव पीस की जो इमेज थी a1 b1, h1 उसका साइज है, और h क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज है। ये हमारे पास हो गया साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दिस इज अ एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्टिव पीस। ये ऑब्जेक्टिव पीस की एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहलाएगी h1, साइज ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव पीस एंड डिवीजन बाय h, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज डिवाइडिंग बाय ऑब्जेक्ट का साइज, ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन होता है। इसको हम लोग m1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये किसकी मैग्नीफिकेशन होगा, यस ऑब्जेक्टिव पीस की मैग्नीफिकेशन कहलाएगा। सेम h2 डिवाइडिंग बाय h1, h1 a1 b1 ऑब्जेक्ट है आई पीस के हिसाब से, और इसने जो फाइनल इमेज बनाया है वो हमारे पास है a2 b2 जिसकी हाइट है h2। h2 डिवाइडिंग बाय h1 का मतलब है कि ये आई पीस का मैग्नीफिकेशन है, h2 इमेज है किसके हिसाब से, आई पीस की, और इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, h1, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ आई पीस। इसको हम लोग m2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्टिव पीस एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ आई पीस। जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो प्रोडक्ट है किसके, एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्टिव पीस के। सेम हम लोग इसको यूँ भी लिख सकते हैं, एम वन एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट पीस को क्यू डिवाइडिंग बाय पी, क्यू इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और सिमिलरली हम लोग ये फार्मूला एंगुलर मैग्नीफिकेशन का सिंपल माइक्रोस्कोप वाले टॉपिक में ड्राइव कर चुके हैं, जो कि आप लोग इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर है हमारा। m2 is the angular magnification of eyepiece which is equal to 1 plus d over fe। तो ये दोनों की वैल्यूज अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा m is equal to q over p into 1 plus d over
Fe. This is the final expression for the angular magnification of this compound microscope. ये इस compound microscope का angular magnification का final expression है student. ये था हमारा आज का discussion topic जिसमें हम लोगों ने बात की है compound microscope से मुतल्लिक. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. और हमारे channel को subscribe करना मत भूलिएगा.